सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों का। तुर्की से लौटे जवानों से मिले प्रधानमंत्री मोदी, ऑपरेशन दोस्त की तारीफ की। उत्तराखंड रोजगार मेला, पीएम मोदी बोले अब युवाओं को अपने प्रदेश में ही मिल रहा रोजगार। अमित शाह ने कहा पीएम ने पूर्वोत्तर में विकास के नए युग की शुरुआत की, नगा शांति वार्ता को बनाएंगे सफल। जेपी नड्डा ने कांग्रेस शिवसेना को बताया वंशवादी, कहा पीएम मोदी ने छात्रों को निकालने के लिए यूक्रेन युद्ध रुकवाया। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने विदेश मंत्री को लिखा पत्र, कहा श्रीलंकाई लोगों ने भारतीय मछुआरों पर किया हमला। हंगामे को भांपते हुए बोले सीएम योगी, सदन को बाधित करना लोकतंत्र और प्रदेश हित में नहीं। सपा की प्रदेश इकाई और फ्रंटल संगठनों में दिखेगा बदलाव, दो दौर की हो चुकी कसरत। अखिलेश यादव का सरकार पर वार, बोले भाजपा सरकार ने बड़े सपने दिखाए लेकिन इन्वेस्टर समिट में कुछ नहीं आने वाला। स्वामी प्रसाद मौर्य ने मुख्यमंत्री केशव प्रसाद पर किया पलटवार, कहा हमें नहीं चाहिए प्रमाण पत्र। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा के खिलाफ वाराणसी में मुकदमा दर्ज, पीएम मोदी के पिता के खिलाफ की थी अभद्र टिप्पणी। तुर्की सीरिया में फिर भूकंप, 6.4 रही तीव्रता, इजराइल तक महसूस हुए झटके, 3 की मौत। यूक्रेन में हवाई हमले का सायरन के बीच ट्रेन से पहुंच गए बाइडेन, राजधानी कीव को नो फ्लाइंग जोन बनाया। इमरान खान को जमानत मिली, लाहौर हाई कोर्ट पहुंच, कोर्ट ने कहा पेश नहीं हुए तो पुलिस को गिरफ्तारी से नहीं रोकेंगे। पाक अफगान बॉर्डर पर पुलिस और तालिबान में मुठभेड़, कई लोगों की मौत की खबर। म्यूनिख काउंसिल में भारत के साथ जर्मनी, जयशंकर ने कहा था यूरोप की समस्या दुनिया की समस्या नहीं। लगातार तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत आयरलैंड को DLS मेथड में 5 रन से हराया। रोहित चुनेंगे टेस्ट टीम का नया उपकप्तान, अब प्लेइंग 11 से भी बाहर हो सकते हैं KL राहुल। कोहली बोले करेले से मुझे नफरत है, दिल्ली टेस्ट में मंगवाए थे छोले कुलचे, इंटरव्यू में कहा मलेशिया में गलती से कीड़ा खा लिया था। श्रीलंका वीमेंस T20 वर्ल्ड कप से बाहर, न्यूजीलैंड ने 102 रन से हराया, उनकी सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें कायम। शुएब अख्तर ने शाहीन आफरीदी पर साधा निशाना, बोले अगर मैं होता तो पाकिस्तान के लिए मर जाता और नेशनल हीरो बन जाता। सेल्फी के लिए सोनू निगम से धक्का मुक्की, स्टेज से उतरते समय सिंगर और उनके दोस्तों को धक्का दिया। मशहूर एक्ट्रेस बेला बोस का निधन, 200 से ज्यादा फिल्मों में किया काम, चित्रकार और नेशनल लेवल की तैराक भी थी। 57 के SRK की उम्र पर फैन ने उठाए सवाल, बोला मैं FIR करूंगा कि आप झूठ बोलते हैं। शाहरुख बोले मत करो यार, मैं तो 23 साल का हूँ।
गाड़ी से उतरते वक्त न्यासा देवगन का टकराया सिर, यूजर्स ने उड़ाया मजाक, बोले ओ बेचारी को कितनी जोर से लगी है। अब्दुल रोजिक में दिखी पठान के लिए दीवानगी, शाहरुख खान की फिल्म के लिए बुक किया पूरा थिएटर। पांच मिनट की 25 बड़ी खबरों में इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच